नहीं रहे मशहूर शायर निदा फाजली। तुम्हारी कबूतर में फातहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर किसने उड़ाई थी वो झूठा। दिल का दौरा पड़ने से निदा फाजली का निधन हो गया। 78 साल के फाजली ने मुंबई में अंतिम सांस ली। उन्हें साहित्य पुरस्कार और पद्मश्री भी मिला था। उन्होंने कई गीत भी लिखे थे। हेडली ने पहली बार कबूला हाफिज सईद देता था ऑर्डर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हेडली की कोर्ट में गवाही हुई। उसने बताया कि वो हाफिज सईद का सपोर्टर रहा है। उसने ये भी बताया कि 26/11 के पहले दो बार और हमले की कोशिशें की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कब खत्म होगी एमसीडी की हड़ताल। दो दिन में मांगा जवाब। कोर्ट ने एमसीडी को ऑर्डर दिया है कि वो दो दिन में सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों को सैलरी पहुंच जाए। वहीं एमसीडी के 18 में से सिर्फ दो यूनियन ने सैलरी मिल जाने पर हड़ताल वापस लेने की बात कही है। वेल्लोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में उल्कापिंड से हुआ था धमाका। जांच के दौरान उल्कापिंड का टुकड़ा बरामद हुआ है। सीएम ऑफिस से जारी बयान में भी इसकी पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इस एक्सप्लोजन में एक बस ड्राइवर की मौत हो गई थी, वहीं तीन लोग घायल हो गए थे। CIA के पूर्व अफसर स्नोडेन का दावा जिंदा है लादेन। US हर महीने उसे देता है $1,00,000। रूस में पनाह ले चुके अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर एडवर्ड स्नोडेन ने कहा है कि ओसामा CIA के पैरोल पर है। ओसामा CIA का सबसे काबिल एजेंट था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर लादेन की मौत की झूठी कहानी रची। चलते चलते आइए आपको दिखाते हैं लंदन का ये नजारा। बस ब्रिज से गुजर रही है और होता है धमाका। लंदन में ये फिल्म शूटिंग के दौरान फिल्माया गया सीन है। और अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।